आप लोगों ने पिज़्ज़ा तो बहुत टाइप के खाए होंगे, जो कि अगर आप घर पर बनाने बैठते हो तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, और स्पेशली पिज़्ज़ा बेस बनाने में हमें टाइम लगता है। आज मैं आप लोगों के लिए ब्रेड मिनी पिज़्ज़ा की रेसिपी लेकर आई हूँ, और इसमें स्पेशल है मशरूम। तो आज की रेसिपी है ब्रेड मशरूम पिज़्ज़ा। काफ़ी सिंपल है, सिर्फ 2 मिनट में बनकर ये तैयार हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर 4 ब्रेड के स्लाइसेस ले रही हूँ। अब मैं ब्रेड में पिज़्ज़ा सॉस लगा रही हूँ। मैंने यहाँ पर टॉपिंग के लिए कुछ सब्जियाँ यूज़ किया है, जैसे कि टमाटर, प्याज, हरी शिमला मिर्च, स्वीट कॉर्न और मशरूम। आप और भी कोई सब्जियाँ यूज़ कर सकते हो जो कि पिज़्ज़ा में डालती है। मैंने यहाँ पर बेसिक सब्जियाँ यूज़ की है, जो कि हर घर में आपको अवेलेबल मिल जाएगी। अब मैं पिज़्ज़ा की स्पेशल चीज़ ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने प्रोसेस चीज़ यूज़ किया है, एंड लास्ट मैं इसमें पिज़्ज़ा चीज़ मतलब मोज़रेला चीज़ यूज़ कर रही हूँ। आप चीज़ की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हो अपने हिसाब से। अब ब्रेड को हल्का सेक लेते हैं, जिससे कि ब्रेड के ऊपर जो चीज़ पड़ा है वो मेल्ट हो जाए। मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है और इसमें बटर लगा रही हूँ। अब मैं पैन में ब्रेड पिज़्ज़ा स्लाइसेस रखती रही हूँ, एंड लास्ट में ब्रेड के ऊपर हल्का सा चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल कर रही हूँ, जिससे कि खाने में थोड़ा स्पाइसी लगे। पैन को मैं ढक दे रही हूँ और बिल्कुल लो फ्लेम पर 5 मिनट इसे पकाऊंगी, ताकि चीज़ मेल्ट हो जाए। 5 मिनट बाद आप देख सकते हो चीज़ काफ़ी अच्छे से मेल्ट हो चुका है और ये खाने के लिए रेडी हो चुका है। आप इसे गर्मा गर्म खा सकते हो, काफ़ी टेस्टी लगेगा, और अभी ठंड का मौसम है, आप इसे अपने फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हो। इसे बनाना काफ़ी सिंपल है, सिर्फ 5 से 6 मिनट में ये बनकर तैयार हो जाएगा, या फिर उससे भी कम टाइम आपको लगेगा। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक पक्का से करिएगा, एंड आपको ये रेसिपी कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करिए, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद छोटा सा बेल आइकन आता है उसे प्रेस करके ऑल कर लीजिए, ताकि मेरे सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।